नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पूरे देश को अब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन फैसले से पहले हर कोई अमन की दुआ मांग रहा है। मस्जिदों में अपील की जा रही है कि फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन शांति बनाए रखें। जी हां, वहीं पहले आरएसएस और मस्जिदों में मौलानाओं ने कहा था कि जो भी फैसला आए उसका सम्मान करना है, साथ ही ना ही कोई खुशी मनानी है और ना ही कोई शोक। लेकिन अब आरएसएस ने जश्न मनाने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, अगर अब फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा तो हिंदू जश्न मना सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अयोध्या मामले पर फैसले को लेकर अपने सदस्यों को एडवाइजरी जारी की है। आरएसएस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आने पर उत्सव मनाए और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में दीप जलाए, लेकिन दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसके लिए बड़े स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। संघ परिवार और उससे जुड़े प्रमुख नागरिक सभी धर्मों के प्रमुख संतों और गणमान्य लोगों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। संघ परिवार ने कहा है कि उत्सव मनाने के लिए बाजारों में रोशनी की जाए, घरों में दीपक जलाए जाए, मंदिरों में विशेष पूजा और हवन आदि किया जाए। इसके अलावा जगह जगह दीप जलाकर रोशनी की जाए। साथ ही संघ परिवार से जुड़े प्रचारकों को ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जश्न मनाते वक्त कभी भी सीमाएं ना तोड़ी जाएं, जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को असहज महसूस हो। मतलब साफ है कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उत्सव ऐसे मनाया जाए, अपनी खुशी तो जाहिर हो लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को इससे दुख ना पहुंचे। आरएसएस से जुड़े सूत्रों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक करीब 76 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई हैं। कोर्ट के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई 77वीं लड़ाई है। इस 77वीं लड़ाई के बाद फैसला पक्ष में आए या विपक्ष में, सभी को इसे बड़े दिल से स्वीकार करना है। आरएसएस और संघ परिवार की कोशिश है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हिंदू समाज सहित सभी समाज के लोगों को राम मंदिर पर आने वाले संभावित फैसले को बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। हिंदू समाज और दूसरे धर्मों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इस मसले पर किसी भी तरह कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती खड़ी हुई तो फिर केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार होने के कारण जवाबदेही उसी की होगी। बीजेपी मुख्यालय पर प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया टीम से जुड़े प्रमुख लोगों की सोमवार को बैठक हुई। जी हां, बैठक में कार्यकर्ताओं के अलावा प्रवक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि बैठक में पार्टी के नेतृत्व के हवाले से कहा गया है कि प्रवक्ता बयान देते समय संयम बरते। कहा गया है कि टीवी डिबेट में या सार्वजनिक रूप से प्रवक्ता ऐसी कोई बात ना कहे जिससे किसी की भावनाएं भड़के। साथ ही अपील आम लोगों से भी की जा रही है कि फैसले को हार या जीत से ना जोड़े, तो इसलिए ऐसा कोई भी पोस्ट या संदेश ना फैलाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।